धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन, आप लोग सबसे पहला एग्जाम देने जा रहे हैं आज, है ना। लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आएंगे लेकिन ये आप लोगों का पहला एग्जाम है, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम है तो इसके लिए बहुत सारी बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, जैसे कि सर लोग बताए हैं बहुत सारे टिप्स आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको अपने सेहत का, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में सेहत कभी ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना। माइंड पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, दूसरी बात। और पढ़ाई जो अभी 5-7 दिन जो भी बचे हुए हैं, उन दिनों में पढ़ाई का एक पैटर्न होना चाहिए आप लोगों को, किस पैटर्न से पढ़ाई करें, है कि नहीं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा देर रात तक आप जाके पढ़ रहे हैं, आपको एक पैटर्न मतलब बनाना होगा पढ़ने के लिए, है ना, एक रूल फॉलो करना होगा। अब नया चीज़ों को नहीं पढ़ना है, अब बस पुराने चीज़ों को ही रिवाइज करते जाना है, ठीक है ना। जो पुराने चीज़ हम लोग पढ़े हैं उन पे ही विशेष ध्यान देंगे, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं, उनको आप हमेशा पढ़ेंगे, है कि नहीं, सभी सब्जेक्ट के लिए, है ना। और सभी अभी तो मतलब सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है जब तक एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन फिर जब एग्ज़ाम होते जाएगा जैसे जैसे, तो आने वाले दिनों में आप लोग मतलब जैसे कल मैथ का एग्ज़ाम है तो आज मैथ का पढ़ाई करेंगे, इसके बाद साइंस का है तो साइंस के लिए पढ़ाई करेंगे, है ना, तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करेंगे। और इसके बाद थोड़ा लापरवाही से बचना है ना, और सचेत रहना एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चीट वगैरह ले जाते हैं, है ना, और जब चेकिंग वगैरह होने लगता है तो क्या करेंगे, फेंक देगा, तो अगर बार कहीं फेंक देगा बचने के लिए, तो वैसे जगह पर थोड़ा सचेत रहना है, है ना। उस पर आज नहीं बन जाना है कि झुकेगा नहीं, वैसे तो अगर आप झुक जाइए और उसको उठा के फेंक दीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो और इसके बाद भी है ना, और क्या करना है कि अपने सेहत का ध्यान रखना है, जब आप जहाँ पे भी हों, जैसे आप लोग वहाँ पे रूम लेके रहेंगे, है ना, तो वहाँ पे विशेष ध्यान देना है खाने पीने का, है कि नहीं। खाने पीने को विशेष ध्यान देना है, खाने पीने नहीं से दिमाग थोड़ा सा कम एक्टिव हो जाता है, कि नहीं। सेव खाया करिए सुबह शाम एग्जाम के दिनों में, है कि नहीं। सेव खाने से माइंड एक्टिव हो जाता है, और इसके बाद ठीक है ना, इसके बाद फिर रिवाइज तो करना ही करना है ना, सभी सब्जेक्ट के बारे में रिवाइज, बस रिवाइज करते जाना है आप लोगों को, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाता है, नहीं, भूल बहुत जल्दी आते हैं, पढ़ तो सभी सब्जेक्ट हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ती हैं, लेकिन भूल बहुत जल्दी आते हैं, तो भूलने का एक ही उपाय है ना, कि हम लोग क्या करें, रिवाइज करते जाएँ, है कि नहीं। रिवाइज जितना ज़्यादा रिवाइज करिएगा उतना जल्दी मतलब वो याद होते जाएगा धीरे धीरे, तो भूलना कोई ख़राब बात नहीं है, ऐसा हम लोग का मेमोरी है कि भूल जाते हैं, किसी का ऐसा मेमोरी नहीं कि एक बार, हालांकि जो भगवान बना रहे होंगे हम लोग का दिमाग ना, तो ऐसा चिप सेट किए होंगे कि एक बार में तुमको याद नहीं रख पाएगा, है कि नहीं। याद करिए, आप पहला बार जब मोबाइल नंबर लिए थे तो क्या एक दिन में याद हो गया था, नहीं याद हुआ था। क्लास के सभी दोस्तों का नाम एक दिन में याद हो गया था क्या, नहीं हो पाया होगा, सभी का दोस्तों का नाम याद नहीं हो पाया होगा, फिर धीरे धीरे आते गए, रेगुलर होते गए, मोबाइल नंबर बार बार बोलते गए, याद होते चला गया। उसी प्रकार से किसी चीज़ को अगर याद करना है तो सबसे बेहतर तरीका है उसको बार बार पढ़ो, है कि नहीं। एक ही बार 10 बार पढ़ जाने से वो भी याद नहीं हो पाता, किसी चैप्टर को आप 10 बार लगातार पढ़ गए उसमें तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में फिर भूल जाते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से करेंगे, कोई इसमें डरने की बात नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़ा हॉपलेस हो जाते हैं कैसा एग्जाम होगा कैसा नहीं, वह पहले दिन जब बैठेंगे तो सब वहाँ पर आपके जैसे होंगे, है कि नहीं, ना कोई आपसे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होगा, तो सभी कोई को मतलब पहला बार ही है, तो फर्स्ट एग्जाम में धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, है ना। पहला एग्जाम हो जाएगा फिर सब ईजी लगने लगेगा, हॉपलेस इससे नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है, अपने पे विश्वास करिए कि आप जो पढ़े हैं बिल्कुल सही पढ़े हैं, ठीक है। और इसके बाद यानी कि कुछ लोग हैं जो चोरी के भरोसे भी रहते हैं, तो इस भरोसे है ना इस बार मत रहो, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखाई पर, अभी से जो समय बचा हुआ है उसका पूरा उपयोग करो, 100% यूज़ करो उसका, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर करेंगे, साइंस स्किल का नाम रोशन करेंगे, साथ ही अपने माता पिता का, है ना, और साथ में बड़े बड़े फोटो पे आपको देखा जाएगा, है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं, जब आप करके बेहतर करेंगे, अच्छे से पास होंगे, तो फिर आपको स्वागत है साइंस स्किल में, ठीक है ना।